हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा स्टाइल। कैसे सॉरी मैं एक बार तुमके सब ठीक होंगे। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग थी, मतलब कि 15 अगस्त की मॉर्निंग है और आज हॉस्पिटल खुले थे तो सिटी स्कैन होना था, तो हम सिटी स्कैन के लिए आ चुके थे और हम जिना में हैं इस टाइम। और आज भी मैं जिना में हूँ और अब वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज 16 अगस्त थे, आज मैं अभी ब्लॉग एडिट करके अपलोड करूँगी। तो तब से मामा के पास हूँ स्टिल। तो जिसने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और ब्लॉग का स्टिल वॉच करना। मामा के लिए आप लोगों को सारा आज गार्ड करने वाली हूँ कि क्या किस तरह की मामा की सिचुएशन है। तो ये हम सिटी स्कैन के लिए आ गए थे क्योंकि मामा बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पा रही और डॉक्टरों ने बहुत बहुत बुरी तरह से हमें डराया हुआ था कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो हम लोग भी डरे हुए थे क्योंकि माँ है मेरी, तो नहीं चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी उसे हो। तो आप लोग प्लीज़ अपनी दुआ में याद रखना और आई होप कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को अच्छी और खुशी की खबर दूँ। बस मेरा ईमान और मेरा बिलीव है, मेरी प्रेयर का जवाब खुदा दे ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हाँ मुझे खुदा ने जवाब दिया है। सिर्फ इसी तरह से जब मैं आवाज़ देती हूँ तो बस अपनी आँखों को थोड़ा सा ऊपर करके देखने की मुझे कोशिश करती है और कहती हाँ मैं ठीक हूँ, इशारा करती कि मैं ठीक हूँ। तो यार प्लीज़ सब अपनी दुआ में याद रखना मम्मा को। दीदी और वीर ने मिल के ना ये सोने की मतलब जो कुछ पहना था ना अब उतार दिया क्योंकि ये उतारना ज़रूरी होता है, तो इसलिए अब ये फिक्स हुई हुई थी तो बहुत मुश्किल से उतर रही हैं। तो अब कोशिश कर रहे हैं कि उतरें और फिर वो सब ताकि अंदर जब हम जाएं तो जल्दी से सारा कुछ हो जाए और हमें टाइम ना लगे बस, क्योंकि मम्मा को पेन हो रही है तो बस इसलिए। तो ये सबसे मेन टेस्ट था जो मम्मा का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, आई थिंक सो सिटी स्कैन या एमआरआई जो भी इसे कहते हैं। तो ये अब हो रहा था और बस इसकी रिपोर्ट आ जाएगी जिस दिन मैं ये ब्लॉग एडिट करें। तो आप लोगों को खुदा की मर्ज़ी से एक अच्छी न्यूज़ दूँ। और अब जो है ना नाम एक नंद होया तो फिर चलो। सो फाइनली मम्मा का सिटी स्कैन हो चुका है जो मैंने आप लोगों को वीडियो भी दिखाई और ये देखो इसके काम, ये देखो ज़रा शहजादा मेरा शहजादा खुश हो गया। तो बस अब जा रहे हैं हम लोग वापस वार्ड में और बस खुदा करे हमारी सिटी स्कैन की रिपोर्ट अच्छी आए। दुआ है यही दिल से कि खुदावंद अपना जलाल जाहिर करे और हम जो दुआ कर रहे हैं खुदावंद वही पूरी करे, आमीन। क्योंकि ये पूरे दिन आज मैं बहुत इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करती रही हूँ कि ये स्कैन जो है ना ये स्कैन क्लियर आए बस, और अब ये लेके जा रहे हैं। चलो ऊपर चलते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ। तो अभी आए हैं वार्ड में, तो अभी मम्मा लेटी है और इन लोगों ने सब ने खाना किया। बाबा ने भी अभी नाश्ता किया है, मैं भी अभी नाश्ता करने लगी हूँ वो भी बर्गर के साथ। तो बस मम्मा के लिए दुआ करना कि आज सिटी स्कैन हमारा क्लियर आए, क्योंकि भाई अनिल ने तो दुआ की है और भाई अनिल की दुआ जो है ना मेरे लिए ब्लेसफुल होती है। और मामू भी था तो मामू अब जा रहे हैं और टाइम हो चुका है 5:30 का, 5:30 का टाइम हो चुका है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। अभी थोड़ा सा खा लूँ मैं नाश्ता, अभी कर लूँ मैं। आज इतने दिनों बाद तकरीबन 3 दिन बाद इस टाइम कुछ ऐसा मौसम देखने का मौका मिला, तो अभी जा रही हूँ घर क्योंकि ये हालत है मेरी। और यहाँ ये लोग भी जा रहे हैं, मतलब सब जा रहे हैं, सिर्फ अतुबा वहाँ रुकी है।
अभी तो मैं बस नहा कर आ जाऊँ, कपड़े चेंज करके आऊँ, क्योंकि उस दिन वाले ही अभी तक पहने में कपड़े नहीं चेंज किए, कुछ भी नहीं। तो बस फिर चेंज वगैरह करूँगी और नहा धो के फ्रेश होके फिर आऊँगी वापस। तो इसलिए जल्दी जा रही हूँ ताकि जल्दी आ सकूँ। सबसे पहले बात ये थी कि जो है ना ये सिटी स्कैन हो जाए, सारा डर निकल जाए। हाय हाय पहला आनी चाहिए थी, बाकी सब बात चो। सिटी स्कैन हो जाए, सिटी स्कैन क्लियर आ जाए तो फिर मुझे पता था मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फिर मैं फ्री हो सकती हूँ। तो बस इसलिए फिर अब जो है ना हो गई हूँ, अब चलते हैं। बाबा बाइक लेने गया है पार्किंग से, लेकर आता है फिर। ओह वाह कितना प्यारा, देखो मौसम बन रहा है। तकरीबन 3 या 4 दिन बाद ऐसा भी अंदर ही अंदर बस रहना हॉस्पिटल के, और कोई चीज़ नहीं, दिन चढ़ता हुआ नहीं देखना, रात भी हो गई है और फिर पता भी नहीं चलता था सारे मेहमान आ रहे हैं। बस फिर भी मैंने वीर को भी यही बोला है कि बस मुझे नहाना है और कपड़े चेंज करने हैं और बस जल्दी से हम लोग वापस वहाँ जाएंगे, क्योंकि अतुबा जो है ना, अतुबा एक भी दफ़ा रही नहीं है अम्मी के पास, अतुबा को कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह से अम्मी को देखना है, करना है और क्या चीज़ करनी है, कहाँ क्या है। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे ये है कि मैं जल्दी जाऊँ वापस बस। तो आप लोग भी साथ बने रहना और स्किन वॉश करना, और मेरे चेहरे की हालत देखो कैसे बिगड़ गई। मौसम आज दिल ही नहीं कर रहा मौसम एंजॉय करने का, वरना हर दफ़ा ये होता है मैं थोड़ा मौसम एंजॉय हो जाए। तो फाइनली नहा लिया है, कपड़े चेंज कर लिए हैं मैंने, और अब जो है ना बच्चे यहाँ खेल कूद में अपने लगे हुए हैं और ये सारे, और एसी ऑन किया हुआ ताकि थोड़ा सुकून हो सके, पर लाइट गई थी। तो मैं लीफा को, मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था कि लीफा की क्या सिचुएशन है, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ। तो ये है लीफा का हाल। ओए तो इस तरह से इसकी सिचुएशन है सारी, ये देखो इसकी आँख ऐसे ही, मम्मा के साथ भी और ऐसे ही इसके साथ है। ये सारी शोल्डर का इसका ये हिस्सा सारा ऐसे हुआ है, मम्मा के भी ऐसे ही सारे हैं, पर इसके कुछ ज़्यादा ही हैं। और ये बाजू का हुआ हुआ है इसका, तो आँख से नज़र से यार है, नज़र दो ना आँखों से यार है। तो इस आँख में भी ये है, ये देखो, अच्छा मैंने खोल के नहीं देखा था, तो ये इस तरह से है। हाँ तो ये ब्लड हुआ है ये सारा। तो अब बस चलते हैं, और ये देखो ज़रा इनके काम तो करो, और रजब अभी भी सारा याद आ रहा है लोगों को। चलो चलते हैं अब मम्मा। सो यहाँ पे आयशा जूस पिला रही है, अभी काफ़ी बेहतर है, बस आपने अपनी दुआओं में याद रखना है कि खुदा ज़िंदगी दे। तो यहाँ मम्मा अब सो गई हैं बहुत मुश्किल से, और मम्मा को इंजेक्शन स्ट्रिप्स लग रही हैं लगातार कंटिन्यूसली, और ये इस तरह से हमारा पर्दा सारा होता है और रूम टाइप बन जाता है, रात के टाइम लाइट्स भी ऑफ हैं। तो अभी सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग आप लोगों के लिए शूट कर लूँ, क्योंकि सबकी अपनी प्राइवेसी होती है और उस प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं होता। तो बस दुआ करना कि सुबह मैं आप लोगों को एक अच्छी गुड न्यूज़ दूँ, जिससे मैं और मेरी पूरी फैमिली खुश हो,
उम्मीद है मेरे खुदा हमारे लिए बहुत बड़ा मुआवजा करने को है, और अगर वो गुड न्यूज़ सुबह मुझे मिली तो मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। अगर नहीं, खुदा ने चाहा तो वो मुझे मिलेगी। और एक बड़े डर से खुदावन मुझे बचाएगा और खुदावन हमें खुशी देगा, जो खुशी भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। और कर लूँगी क्या मतलब करूँगी ऑब्वियस। और अभी मेरी सफ़िया से बात हो रही थी, सफ़िया काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसका आने का बहुत दिल है, वो नहीं आ सकती। और सभी मेहमान थे, कोई ना कोई आता ही है। खाला भी आ गई थी, और खाला, खालू, ज़िशान मतलब खाला का बेटा, और बाबा थे, अतुबा थी, अली थे, और बच्चे थे, तो सब थे। तो फिर उस टाइम पे डॉक्टर भी राउंड पे था, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई जैसे मैं यहाँ पहुँची थी। तो मेरा गला भी ख़राब हो चुका है, और पीपी जैसे ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा लो हो गया सर में, और शोल्डर्स में मेरी भी पेन हो रही है। सब मुझे ये कह रहे हैं कि अपना भी ध्यान रख, पर जब तक मुझे ये जो है ना, ये मेरी स्ट्रांग पर्सन, ये मुझे ठीक नहीं ना नज़र आ जाती, तब तक मैं नहीं चाहती कि मैं डाउन आऊँ, पर थोड़ा मुझे हो रहा है कि मैं डाउन हूँ। और जब मुझे ये बेटर नज़र आएगी ना, तो मैं ऑटोमेटिक बेटर हो जाऊँगी, खाया पिया भी जाएगा, सब कुछ हो जाएगा मुझसे। अभी मुझसे ये चीज़ें नहीं हो रही, क्योंकि अभी सिर्फ मेरी फ़र्स्ट फोकस जो है ना ये है कि मेरी माँ ठीक हो जाए बस। क्योंकि मैं आप लोगों को एक आदत अपनी बताऊं कि मेरी आदत ना ऐसी थी कि मम्मा खाना बनाती थी, खाना मेरे आगे रखती थी और फिर मैं खाती थी। तो हम लोग साथ बैठ के, मैं, मम्मा, पापा और भाई खाना खाते हैं हमेशा। तो जब कभी कोई ऐसी चीज़ हो कि मेरे आगे मम्मा ने नहीं रखी, तो मैंने खानी भी नहीं है। तो इस वजह से ना मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा, और बहनों के हाथों का ना मुझे पसंद नहीं है, मम्मा के हाथ का या करिश्मा के हाथ का, सपना के हाथ का भी खा लेती थी पर अब नहीं। जब आंखों के सामने सपना बनाए तो बस ठीक है, तब खाना, वरना नहीं। और अतुबा का भी यही है कि अतुबा जब यहाँ बनाती है, मतलब हमारे घर की किचन में बनाती है, तो ठीक है खा लेती हूँ, पर अतुबा ज़्यादा बाहर का प्रेफर करती है, तो मुझसे बाहर का नहीं ज़्यादा खाया जाता। मेरा अभी भी इतना ही दिल कर रहा था कि मम्मा के हाथ की रोटी हो, कोई अच्छा सा, भले वो दाल ही क्यों ना हो, पर सालन मम्मा के हाथ का बना हो जो मैं खाऊँ। अब ये चीज़ें सोच रही हूँ कि कब ऐसा होगा कि मैं अपनी माँ के हाथ का दोबारा खाऊँगी। थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब उस चीज़ में शायद एक महीना भी लग सकता है, दो हफ्ते या तीन हफ्ते भी लग सकते हैं। तो मतलब मैं इतनी देर मम्मा के हाथ का खाना अवॉइड करूँगी, तो वो चीज़ों को सोच सोच के बस थोड़ा फील हो रहा है। और एकदम से जब उसे पेन होने लग जाती है, तो मैं उसके पास होती हूँ, मैं उसकी आवाज़ सुन के सोती नहीं हूँ पूरी पूरी रात। दो दिन से मैं बिल्कुल भी नहीं सोई, और अभी जब घर गई भी थी तो मुझे सब ने कहा था कि रेस्ट कर लेना, पर मुझसे रेस्ट बिना मतलब नहीं हो पा रही थी। मुझे यही था कि मैं जल्दी जाऊँ, मैं जाऊँ बस उसके पास जाऊँ। और थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह भी मम्मा की करवाई है, और यह है कि अब सुबह के लिए काफ़ी चीज़ें बेस्ट होने वाली हैं। आप लोग साथ बने रहना, स्टिल वॉच करना, तो सुबह मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस करना, और ब्लॉग को भी स्टिल वॉच करना। सो मॉर्निंग के हुए हैं 7:15, और मैंने मम्मा की मॉर्निंग भी करवा ली है, और अपनी भी मॉर्निंग मेरी हो चुकी है। तो अब बस ना बेड ऊपर करके मम्मा को बिठाने की कोशिश की है, मतलब वैसे मम्मा नहीं बैठ सकती ना, तो इस बेड को इस तरह से ऊपर किया हुआ है कि मम्मा जो ना बैठ सके। तो अब बस डॉक्टर भी राउंड पे आएंगे, तो इसलिए अब जो है ना मम्मा को इस तरह से किया है कि मम्मा थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करें, और फिर उसके बाद जो है ना हमें पता हो कि मम्मा ने एक्सरसाइज की है, डॉक्टर क्योंकि आज आके पूछेगा। तो ये देखो मम्मा कोशिश कर रही है अपनी मूवमेंट खुद करने की, वरना जितनी भी मूवमेंट थी वो मैं करवा रही थी।
इसलिए मैं शहर पे कहीं नहीं जाती थी। तो यहाँ जो है ना मम्मा का बेड थोड़ा सा नीचे डाउन किया है मैंने, और मम्मा अभी जो है ना थोड़ी खुद कोशिश करी है, क्योंकि रात को डॉक्टर ने बोल दिया है कि मम्मा को बोलो कि खुद अब कोशिश करे, और आप लोगों ने सुबह कोशिश करनी है कि मम्मा को चलाना। तो गुड न्यूज़ ये भी थी आप लोगों के लिए कि मुझे सुबह मम्मा को कोशिश करवानी थी कि मम्मा कोशिश करके चले, पर वो तो बिल्कुल नहीं हो रहा क्योंकि शायद मसल्स फट गए हैं, और भी चीज़ों के लिए डराया हुआ था जो मैंने आप लोगों के साथ शायद शेयर किया और नहीं भी किया था। तो अब इस वक्त जो है ना इस तरह से है, और मैं अपनी तरफ कैमरा इसलिए नहीं कर रही क्योंकि चारों तरफ लेडीज़ हैं, और अचानक से कोई आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता।